विश्व नाटक अथवा विश्व इतिहास और कुछ नहीं बल्कि सभी आत्माओं का एकत्रित खेल है। आत्मा परम धाम में तब तक इंतजार करती है जब तक कि परिस्थिति उसके विश्व नाटक में प्रवेश करने के अनुकूल ना हो। एक बार आत्मा यहाँ आ जाती है तो उसे तब तक यहीं रहना पड़ता है जब तक कि सभी आत्माएं इस विश्व नाटक मंच पर न आ जाएं। कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी, किस रूप में? ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहाँ क्यों हैं? मैंने यहाँ जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूँ और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों है? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि उसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है। जो मैं करता हूँ उसी अनुसार खाता हूँ। ये बिना किसी पक्षपात के होता है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है पर ये नहीं। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझकर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है, यही कर्म का नियम है। भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोलते हैं वही बातें हैं। प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस संसार में करोड़ों व्यक्ति हैं, फिर भी प्रत्येक की उंगलियों के निशान अलग हैं। कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं है।
हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं है। ये ऐसा इसलिए है कि कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं है, उनमें सिर्फ इतनी ही समानता है कि दोनों एक अविनाशी ज्योति बिंदु है। हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, तौर तरीके में, सोच में, रहन सहन में अंतर देखते हैं। संक्षेप में प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व भिन्न है, इसलिए मैं अपने आप में विशिष्ट हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं या किसी से बड़ा नहीं हूं। जब मैं महसूस करता हूं कि मैं संसार में अद्वितीय हूं, मैं यहां अपना एक विशेष किरदार निभाने और जिम्मेदारी पूर्ण करने आया हूं, तो मैं अपना भविष्य गढ़ सकता हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। ये शरीर और संसार जिसमें मैं रहता हूं एक दूसरे से सूक्ष्म भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक विचार, आचरण और कार्य मुझे और सारे विश्व को प्रभावित करता है। मानवीय संवेदनाएं प्रकृति और अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती हैं, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है। अतः संसारी सभी के प्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाओं का वितरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। Yeah।
ये चक्र जो है वो किस प्रकार से घूमता है और इस सृष्टि की जो आयु है वो कितनी है, इसके बारे में हमने पूछ लिया। आज का जो लेसन है वो एक तो कल्प वृक्ष और दूसरा जो है वो सीढ़ी के चित्र के ऊपर हम सुनेंगे। जो ज्ञान कल्प सृष्टि चक्र में है वही ज्ञान कल्प वृक्ष में है और वही ज्ञान सृष्टि सीढ़ी में भी, परंतु उस हर एक चित्र के अंदर जैसे सृष्टि चक्र माना काल चक्र और समय के बारे में उसमें हमें परिचय मिल जाता है और कल्प वृक्ष के अंदर जैसे हमें धर्म की बातें मिल जाती है और सीढ़ी के ऊपर हम जन्म और मृत्यु के ऊपर नहीं। जैसे हम देखते हैं कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग और छोटा सा संगम युग, तो ये सृष्टि जो है इन चारों युगों में से घूमती है। जैसे हम देखते हैं कि दिन है, सुबह दिन के भी चार प्रहर होते हैं ना, सुबह है, फिर दोपहर हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है और फिर रात और सुबह को जोड़ने वाला जो समय होता है वो अमृत वेला, माना वो सृष्टि का संगम युग छोटा सा है। तो जैसे हम देखते हैं कि कल्प वृक्ष माना शास्त्र में तो कल्प वृक्ष के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से, अर्थात आप देखेंगे कि ये कल्प वृक्ष की जो जड़ों में है कुछ ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है पेड़ का, जो ये हिस्सा होता है वो कभी भी दिखाई नहीं देता, वो जमीन के अंदर होता है और गुप्त रूप से कुछ आत्माएं इस संसार को चलाने के लिए सुचारू रूप से तपस्या करती है और अपने तपस्या के बल से सारे कल्प वृक्ष को उसकी ताकत मिलती है। जैसे पेड़ को ताकत कहाँ से मिलती है, जड़ों से मिलती है। हम जब पेड़ को पानी डालते हैं तो पत्ते पत्ते को पानी नहीं डालते हैं, अभी तो हम जड़ों में पानी डालते हैं तो हर पत्ते के पास पहुंच जाता है। इस संसार में जब मनुष्य आत्मा बहुत ही तमोप्रधान हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, पतित हो जाती है, तो ऐसे समय पर जो ब्राह्मण आत्माएं तपस्या अपनी परमात्मा की याद की तपस्या के आधार से पूरे वृक्ष को ठीक करने की ताकत रखते हैं, वो तपस्या कर रहे जड़ों में बैठ करके, और ये हिस्सा कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता। तपस्या जो होती है वो गुप्त रीति से ही होती है, इसलिए साधु संत आदि जो है वो गुफाओं में कदरों में जाकर के तपस्या करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी तपस्या जो होती है वो हमारे भीतर तपस्या बहुत अच्छी होती है। इसके ऊपर एक कहानी बताई जाती है कि एक संत महात्मा जो है गांव में आए थे और बहुत ही प्रभावशाली उनका व्यक्तिमत्व था और वो जो साधु महात्मा थे वो प्रवचन कर रहे थे, गांव के लोगों को परमात्मा के बारे में संदेश सुना रहे थे और उतने में इतने जोर से तूफान आ जाता है, सारे गांव वाले इतने डर जाते हैं, अपने अपने घरों की तरफ भागते हैं और घरों में जाकर के छिप जाते हैं। 10-15 मिनट के बाद वो तूफान जो इतने जोर से आया हुआ था बहुत सारा नुकसान करके चला भी जाता है और फिर सारे गांव वाले आकर के वापस उस पेड़ के नीचे आ जाते जहां वो संत प्रवचन कर रहे थे। तो वो आकर के देखते हैं, वो संत तो आंखें मूंद करके ध्यान में लीन हो गए, तो वो सारे गांव वाले उनको पूछते हैं कि भाई इतना जोर से तूफान आया आप क्यों नहीं भागे। उन्होंने कहा कि आप भी भागे मैं भी भागा, आप बाहर भागे मैं अंदर भागे, अर्थात वो अपने अंदर
जैसे शरीर के अंदर बैठी हुई मैं आप आत्मा और उस परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन हो जाए। तो डर के मारे लोग आज हम देखते हैं कि बाह्य दुनिया की तरफ भागते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने अंदर की तरफ भी भागना चाहिए, क्योंकि अंदर में अगर हम तपस्या में बैठेंगे, अंदर की आत्मा को ये शरीर जैसे गुफा की तरह अनुभव करके हम अंदर ही साथ तपस्या करेंगे, शरीर के अंदर बैठ करके, तो वो तपस्या न सिर्फ खुद के लिए फायदेमंद होंगी परंतु सारे संसार के लिए फायदेमंद होंगी। जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो वो खुद के लिए सब करते हैं ऐसा नहीं कि वो खुद को पावन बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, खुद को ठीक करने के लिए योग कर रहे, नहीं, उनके योग के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो इस विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंचते हैं। और इसीलिए योगी आत्माएं जितनी शुभ भावना शुभकामनाएं संसार के प्रति रखते हैं और परमात्मा की याद करते हैं तो वो याद का बल जो है वो हर एक आत्मा के पास पहुंचता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जब तक मीरा उसके राज्य में थी तब तक उस राज्य में बहुत खुशहाली थी, सारा राज्य हरा भरा था, लेकिन जैसे ही उनके कई विरोधी लोगों ने उनको उस राज्य से निकाल दिया सारा राज्य सूखा पड़ गया था। तो योगी जो होते हैं उनकी ताकत जो है सारे संसार को ठीक करने की होती है। इसलिए दिखाया है कि जड़ों में कुछ ब्राह्मण आत्माएं तपस्या कर रहे, अर्थात परमात्मा संगम युग पर आकर के हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम आत्माएं खुद को भी ठीक करती है, सारे विश्व को भी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य हम तभी कर सकते हैं। और ये युग युग ही गुप्त है क्योंकि परमात्मा का अवतरण ही गुप्त होता है। परमात्मा आकर के साधारण शरीर का आधार लेकर के ही तो हमें ज्ञान सुना रहे हैं। अगर हम उनको उस साधारण स्वरूप में ही पहचान जाएंगे तो न सिर्फ हम खुद का कल्याण करेंगे परंतु विश्व का कल्याण करने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। तो ये तपस्या करते हुए जो ब्राह्मण दिखाए गए हैं तो यही आगे चलकर परमात्मा के इस कार्य में अगर आप देखेंगे, परमात्मा जैसे आज दुनिया में नेता को ढूंढ रहा है तो इलेक्शन करते हैं, परमात्मा के कार्य में कभी भी इलेक्शन नहीं होता है, वहां पर सिलेक्शन होता है। इसके ऊपर भी एक उदाहरण बताया जाता है कि एक दिन नारद घूमते घूमते अचानक से नारायण के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि नारायण कोई डायरी के ऊपर लिखे हुए नामों को पढ़ रहे थे और खुश हो रहे थे। तो वो जब नाम देख वो नारायण नारद जो है नारद मुनि तो उनको पूछते हैं नारायण को कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन सी डायरी है कि कौन सी लिस्ट है। तो बोलते हैं कि जो भक्त संसार में मुझे सबसे अधिक याद करते हैं इन लोगों की मैंने ये सूची बनाई हुई है और उन लोगों के नाम पढ़ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, अत्यंत खुशी हो रही है। तो वो नारद मुनि उनको रिक्वेस्ट करते कि आप मुझे दिखा सकते हैं, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ वो लिस्ट, ये संसार में ऐसी कौन सी आत्मा है जो आपको सबसे अधिक याद करती है। इसमें बहुत सारे उस सूची में नाम थे, नारद मुनि देखते हैं सारे नाम और सबसे ऊपर नाम जो होता है वो खुद नारद मुनि का होता है। उनको इतनी खुशी हो जाती है कि मैं सब संसार में सारे लोगों में से सब में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ भक्त नारायण का और मैं सबसे ज्यादा नारायण को याद करता हूँ। तो उसको बहुत खुशी हो जाती है और वो इतनी खुशी में थोड़ा अहंकार भी आना शुरू हो जाता है कि मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ और मुझे देखकर नारायण भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते वो जा रहे होते अपनी खुशी में, तो देखता है कि एक जगह पर हनुमान जी जो है वो भगवान को याद कर रहे थे, बड़े ध्यान में विलीन होकर के बहुत अच्छे से प्यार से उनको याद कर रहे थे। तो जब भगवान जी उनको इतना वो भगवान जी को इतना याद कर रहे थे उनके मुख पर बहुत सुंदर मुस्कुराहट आ गई थी भगवान को याद करते करते। तो जैसे ही वो याद करते हैं तो नारद मुनि उसके सामने आकर के खड़े हो जाते और कहते हैं कि आप तो ढोंगी हो, पाखंडी हो, क्योंकि आपका नाम तो उस लिस्ट में कहीं भी नहीं था, सबसे ऊपर तो मेरा नाम था कि मैं सबसे ज्यादा याद करता हूँ और आप इतना याद में मगन होने का नाटक कर रहे हैं, आपको तो कुछ है नहीं कि आप ऐसे ही भगवान को याद कर रहे हो और
घमंड कर रहे हैं कि आप भगवान को सबसे ज्यादा याद करते हैं, तो कहता है कि मैं कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए तो याद करता ही नहीं हूँ, मैं तो अपने खुशी के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें ताकत मिलती है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे आनंद की अनुभूति होती है और मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, इसलिए मैं भगवान को याद करता हूँ। और जरूरी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस लिस्ट में आना चाहता हूँ, अगर आपका नाम उस लिस्ट में है तो मुझे और अधिक प्रसन्नता है कि बहुत अच्छी बात है कि आपका उसमें नाम है और मुझे उस लिस्ट में आने के लिए मैं भगवान को याद नहीं कर रहा हूँ। तो नारद मुनि थोड़े से ये हो जाते हैं और फिर भी वहां से चले जाते हैं। फिर कई दिन बीत जाते हैं, वो बार बार हनुमान जी के पास जाते भी रहते, उनको देखते भी रहते, बड़े आनंद में भगवान को याद कर रहे, खुशी में भाव विभोर हो रहे हैं। एक दिन अचानक से ही वापस उनका जाना होता है नारायण के पास, तो वो वापस एक बार अचानक से नारायण के सामने आ जाते हैं और देखते हैं कि नारायण आज दूसरी डायरी कोई पढ़ रहे हैं और उसमें भी वो बड़े खुश होते हैं। तो उस डायरी में बड़े थोड़े से नाम होते, 4-5 ही नाम उसमें लिखे हुए होते हैं। वो देखता है सबसे ऊपर उसमें वो नारायण को रिक्वेस्ट करते हैं, ये कौन सी डायरी है, ये तो पहली वाली डायरी जैसी नहीं है, ये तो अलग दिख रही है। तो नारायण कहते हैं हाँ ये अलग डायरी है। तो कहता है, पूछता है कि ये कौन सी डायरी है, तो कहता है जिन्हें मैं याद करता हूँ ऐसे लोगों की ये डायरी है। और उसमें वो देखता है कि क्या मैं वो देख सकता हूँ, तो देखता है तो सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम उसमें लिखा हुआ होता है जिन्हें भगवान याद करता है। तो हम देखते हैं कि उस समय नारद मुनि को अनुभव होता है कि सच में हनुमान जी जो है वो कितने खुशनसीब है जो भगवान उनको याद करता है। तो ऐसे ही संसार में जो योगी होते हैं और कोई भी, आज हम देखते हैं कि भगवान के पास मंदिरों में जाएंगे तो लोग कोई ना कोई अपेक्षा लेकर के ही जाते हैं और उसी लिए ही तो मंदिर में जा रहे होते, उसी लिए तो पूजा कर रहे होते, उसी लिए व्रत करते। कोई ऐसे भक्त होंगे शायद इस संसार में कि ऐसे भक्त होने चाहिए, परमात्मा को ऐसे भक्त प्रिय है जो निष्काम है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, फिर भी भगवान का धन्यवाद करते, भगवान को बहुत प्यार से स्नेह से याद करते। तो भगवान उन आत्माओं को बहुत प्यार से याद करते और ऐसी आत्माएं जो होती है वो भगवान की सिलेक्टेड रतन, और ऐसे सिलेक्टेड रतन सारे करोड़ों की सृष्टि में कुछ एक ऐसी आत्माएं होती है जो नीचे तपस्या कर रही है और आगे जाकर के वही आत्माएं देव पद को प्राप्त करती, और वही आत्माएं जो है इस संसार में सबसे पहला युग जो है वो है संगम युग, सॉरी सतयुग। सतयुग में उन आत्माओं को प्रवेश मिलता है जो भगवान की नजर में बहुत ऊंची है, श्रेष्ठ है, और भगवान की वो सिलेक्शन है। तो करोड़ों लोगों में से कुछ एक आत्माओं को परमात्मा, जो आत्माएं स्व परिवर्तन करती है, विश्व को परिवर्तन करने का कार्य परमात्मा किसी को नहीं देता है, परमात्मा ने वो अपने ऊपर ही जिम्मेवारी ली हुई है। इसलिए हम कभी ये सोच करके कार्य नहीं करें कि मुझे इसको भी बदलना है, मुझे उसको भी बदलना है, मुझे मैं इसको बदल के रहूंगी, मैं उसको परिवर्तन करके रहूंगी, जरूरत नहीं है। हम स्व को बदल ले वही काफी है, खुद को देखे वही काफी है, और जरूरत तो इसी चीज की है कि हम खुद को ही देखे और खुद का ही परिवर्तन करें। ऐसी आत्माओं का सिलेक्शन परमात्मा स्वयं करते हैं और वही ऐसी सिलेक्टेड आत्माएं सतयुगी नई दुनिया में प्रवेश कर सकती है। तो जो आत्माएं सतयुगी दुनिया में प्रवेश करती है तो वो आत्माएं सतयुग के सुख का भागी बन जाती है, वो वैकुंठ की दुनिया कहा जाता है जहाँ सत्यता है और वहाँ एक ही धर्म चलता है और वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो स्वयं निराकार परमात्मा संगम युग पर स्थापन करते अपनी सिलेक्टेड आत्माओं को लेकर के। फिर उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि पेड़ जो होता है उसमें जड़े महत्वपूर्ण होती है, फिर तना आता है, और इस धर्म को अगर आप देखेंगे देवी देवता धर्म जो है वह सतयुग और त्रेता युग दोनों युगों में यह धर्म चलता है। सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य रहता है
त्रेता युग में राम और सीता का राज्य चलता है। नारायण के हाथ में आपने कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं देखे होंगे, जरूरत ही नहीं होती। नारायण को ऐसे दिखाते, खड़ा दिखाते हैं। विष्णु जी का स्वरूप अलग है, नारायण को अलग दिखाते हैं। तो नारायण को जो है वो ऐसे दिखाते हैं और उनको हमेशा सूर्य नारायण कह के बुलाते हैं, क्यों सूर्यवंशी घराना है। तो सतयुग और त्रेता युग दोनों युगों में जो ये चलता है, धर्म चलता है, तो वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ हम कई बार गलत लेते हैं। धर्म हम शारीरिक रूप से पकड़ते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म हमने बना दिए, उसमें भी जातियां बना देते, उसमें भी और उप जातियां बना देते हैं। तो ये मनुष्य ने शारीरिक रूप से लिया है। परमात्मा ने जब इस संसार में दुनिया बनाई थी, लोग बनाए थे, तो एक ही धर्म स्थापन किया था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी, एक ही राजा था, संपूर्ण अहिंसा थी। और ऐसे राज्य की परमात्मा स्थापना करते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तो धर्म शब्द का अर्थ ये होता है कि धारणाएं, मनुष्य की धारणाएं। अगर हम देखें कि कोई ब्राह्मण है और उसको किसी ने देखा कि नॉनवेज खा रहा है, तो कहेंगे ये तो इसने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, इसने तो धर्म को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस धर्म में वो धारणा नहीं है और उस धारणा को उसने तोड़ दिया, और इसलिए कहते हैं इसने धर्म तोड़ दिया। अर्थात हर धर्म ने अपने कुछ नियम बनाए हुए, कुछ उसूल बनाए हुए। जैसे सन्यास धर्म है, उन्होंने सन्यास धर्म जिसने बनाया, स्वामी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने, उन्होंने कुछ नियम लिखे हुए है और उन नियमों का पालन करना उस धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन कई लोग जो है वो अपने धर्म का यथार्थ रूप से पालन नहीं करते। जैसे कई बार हम देखते हैं कि धर्म पत्नी, कोई अगर किसी की धर्म पत्नी बनते हैं, तो उस धर्म का पत्नी के लिए भी क्या है, पत्नी धर्म क्या होता है, तो उसके भी कुछ नियम बनाए। पति धर्म क्या होता है, उसके भी कुछ नियम बनाए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि धर्म शब्द का अर्थ ही होता है धारणाएं। तो जब भगवान ने हम आत्माओं को इस सृष्टि पर भेजा था, तो कुछ नियम हमें प्रकृति ने दिए थे कि तुम्हें कैसे रहना है, शरीर को कैसे चलाना है, और कुछ नियम हमें भगवान ने दे करके भेजे थे कि भाई तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम रहना है, संपूर्ण निर्विकारी रहना है, अहिंसा परमो धर्म रहना है, सर्व गुणों में युक्त रहना है। तो ये हमें कुछ नियम बता करके भगवान ने भेजा था, धारणाएं बता करके भेजी थी। लेकिन जैसे हम आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाती है, तो वैसे ही हमारी शक्तियां यूज हो जाती है। जैसे अभी मैं मोबाइल यूज करती हूँ समझो, और इस मोबाइल को यूज करके सुबह मैंने 100% चार्ज करके मोबाइल रखा हुआ है, मैंने कोई ज्यादा यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप थोड़ा सा देख लिया, गूगल थोड़ा सा कर लिया, माना ऐसे थोड़ा सा सर्च कर लिया कुछ बातें, और किसी का फोन आ गया, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, माना वीडियो वगैरह ऐसे कुछ देखाने और घंटों ऐसे फेसबुक पर नहीं हूं, ऐसे थोड़ा थोड़ा दो मिनट पांच मिनट, लेकिन फिर भी हम देखते हैं दोपहर होने तक बैटरी बहुत सारी डिस्चार्ज हो जाती है, ऐप के पीछे भी कई बैटरी चली जाती है। ऐसे ही आत्मा भी एक बैटरी की तरह ही है ना, और वो आत्मा शरीर में जब प्रवेश करती है तो कुछ ना कुछ कर्म तो कर रही है, खा रही है, पी रही है, घूम रही है, खाना खा रही है, सो रही है, किसी से बात कर रही है, अच्छी बात कर रही, बुरी बात कर रही है। अगर बहुत ही गलत कर्म हो जाते तो बैटरी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, लेकिन फिर भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो शक्तियां यूज तो हो जाती है। तो जैसे हम देखते हैं कि मनुष्य को बहुत सारी शक्तियां देकर के संपूर्ण शक्ति से युक्त ही भेजा था भगवान ने, लेकिन जैसे हम आत्माएं नीचे उतरती है, जन्म मृत्यु के चक्र में आती है, तो हमारी कई धारणाएं थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो सतयुग त्रेता में तो हम बहुत अच्छे से रहे, हमारी बैटरी भी इतनी लो नहीं थी, क्योंकि हमने गलत कर्म किए ही नहीं है, वहां पर एक भी गलत कर्म देवी देवताओं के हाथों से नहीं होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि सतयुग और त्रेता युग में एक धर्म था, एक राज्य था, एक राजा था, एक भाषा थी। तो वहां दोनों युगों में, सतयुग और त्रेता युग में, अगर हम उदाहरण के रूप से अभी इसके आगे देखेंगे कि जैसे 100 लोग सतयुग और त्रेता युग में है, सतयुग और त्रेता युग का एंड जब आता है ना, त्रेता युग का, वहां तक 100 लोग है समझो। अभी ये 100 लोगों की शक्तियां यूज हो गई है, और बहुत सारी शक्तियां यूज हो गई है, और इसीलिए बैटरी डिस्चार्ज हो गई है।
तो ऐसे समय पर जैसे ही आप मोबाइल को डिस्चार्ज देखेंगे तो आपको क्या याद आएगा, चार्जर, चार्जर कहाँ, चार्जर कहाँ। ऐसे ही जैसे ही ये 100 आत्माएं सतयुग त्रेता युग में बड़ी खुश थी क्योंकि बैटरी फुल चार्ज थी, लेकिन जन्म मृत्यु में आते कर्म करते बैटरी लो हो जाती, तो उन्हें ऐसे लगता है कि नहीं मुझे चार्जर चाहिए, कोई तो चार्ज करे मुझे, चार्ज करे। तो ये 100 आत्माएं है ना, जैसे कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा उनको दुख का अनुभव होने लगता है क्योंकि आत्मा की बैटरी कम हो गई है। और जैसे हम इस संसार में नियम है कि कोई स्थान रिक्त नहीं होता है, किसी न किसी चीज से भर ही जाता है, अगर गुणों की लेवल थोड़ी कम हो गई है अर्थात वो जगह अवगुण तुरंत ले लेते हैं, तो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर अवगुण आना, विकार आना, प्रवेश होना शुरू हो जाता है। तो विकारों के कारण तो दुख हो जाता है। तो दुख जैसे ही शुरू होता है मनुष्य को भगवान को याद करना शुरू कर देता है। और समझो आप एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक्चुअल संख्या नहीं मैं बता रही, 100 लोग है समझो, और ये 100 लोग भगवान को जोर जोर से पुकार रहे पुकार रहे, इतना दुख है नहीं लेकिन फिर भी उनको ज्यादा लग रहा है। तो वो 100 लोग मिलके भगवान को पुकार रहे हैं, तो भगवान भी उनकी पुकार सुनता है, वो भी समझता है कि नहीं अभी तो टाइम नहीं है मेरा जाने का, अभी तो इतने दुखी भी नहीं हुए हैं, तो वो क्या करते हैं मैसेंजर भेजते हैं। समझो कोई व्यक्ति अपने बच्चे के साथ 10वीं मंजिल पर रहता है और उसका बच्चा नीचे खेल रहा है, वो ऊपर से बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है बच्चे का, ऊपर से बीच बीच में दिखता रहता है, अगर उसको बच्चे को बुलाना है तो वो डायरेक्ट 100 मंजिल से नीचे उतर के तुरंत नहीं आएगा, वो क्या करेगा किसी को भेजेगा, मैसेज भेजेगा, मैसेज भेजेगा, जब वो आप नीचे जा रहे हैं तो उसको भी भेज देना, मेरे बच्चे को भी भेज देना, ऐसे कह करके मैसेज देते। ऐसे भगवान ने भी क्या किया, एक मैसेंजर को इस सृष्टि पर भेजा, वो मैसेंजर है मोहम्मद सॉरी इब्राहिम। इब्राहिम आते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई परमात्मा जो है वो कोई व्यक्ति में नहीं है, तब तक लोगों ने भक्ति करना शुरू कर दिया था, पूजा पाठ भगवान को पुकारना ये शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई भगवान तो निराकार है और अल्लाह नूर है, तो आप उनको दिन में 5-7 बार याद करना तो आपको शक्ति मिल जाएगी। तो 100 लोगों को ये संदेश तो उसने सुना दिया, तो 100 लोगों को कोई पसंद नहीं आता इतना, उसमें से समझो कि 20 लोगों को पसंद आ गया है ना, 20 लोग वहां चले गए हैं, 20 लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी 100 लोग जब इब्राहिम आए थे उस समय तो उसमें कोई और धर्म था ही नहीं ना, आकर के इब्राहिम ने आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी, तो इब्राहिम के नाम से ही वो इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इब्राहिम के जाने के बाद लोगों ने उनके कही हुई बातों को जो लिखा उसको नाम दिया कुरान, और नाम कुरान दे दिया, और फिर उनकी बातों को के आधार से अपना धर्म बदल दिया इस्लामी, हम इस्लामी हो गए। फिर वो लोग वहां चले गए, 20 लोग तो वहां चले गए, फिर उस धर्म में उनको थोड़ी अभी भगवान को याद कर रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, एक को ही मान रहे, तो थोड़ी ताकत आना शुरू हो जाता है, तो उसे लगता है कि उनको बहुत ताकत आ गई। फिर जैसे और ये 80 लोग तो वैसे के वैसे है, 80 लोगों को तो कुछ अभी मार्जिन मिली नहीं है, तो वो और भगवान को याद करना शुरू करते, तो भगवान दूसरा मैसेंजर भेज देता है और वो आते, जैसे आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए, फिर 2500 वर्ष पहले बौद्ध आए, महात्मा बौद्ध यहाँ पर इस सृष्टि पर आ जाते हैं और वो आकर के कुछ बातें बताते। तब तक मूर्ति पूजा बहुत हो गई थी संसार में, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा बंद करो, मूर्ति में भगवान नहीं होता है, आप भगवान को डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ, परमात्मा निराकार है, लाइट है, और आप उनसे शक्ति ले लो, और इसीलिए वो अंगुष्ठाकार पत्थर रख करके उसके ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं। तो उन्होंने आकर के कुछ बातें बताई और फिर शिक्षाएं दी उन्होंने, तो महात्मा बौद्ध की शिक्षाओं को धम्मपद के रूप से जैसे लिखा गया और महात्मा बौद्ध के नाम से बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई 2500 वर्ष पहले। तो जो 80 लोग थे उसमें से 20 लोगों को वो, अब उन्होंने ज्ञान 80 लोगों को सुनाया, सभी को पसंद नहीं आया, 20 लोगों को पसंद आया, 20 लोग वहां चले गए, हम क्या हो गए ना, आज से हम बौद्ध भी हो गए। फिर जैसे हम देखते हैं कि अभी तो बचे हैं 60 लोग, 60 लोगों को और भगवान को याद कर रहे, फिर
और एक मैसेंजर को परमात्मा सृष्टि पर भेज देता है और उसको भी बता के भेजता है। आप देखिए कि कोई भी धर्म स्थापक आत्मा ने कभी भी नहीं कहा कि हम भगवान हैं और हम आप हमें याद करो, नहीं। उन्होंने भगवान के बारे में ज्ञान सुनाया, उन्होंने भगवान से कनेक्ट होने के बारे में ज्ञान सुनाया, भगवान को कैसे याद कर सकते उसका ज्ञान सुनाया, अपने व्यवहार को अच्छा कैसे बनाए उसका ज्ञान सुनाया। कोई धर्म स्थापक आत्मा ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान मैं परमात्मा हूं और आप मुझे याद करो तो मैं तुम्हें शक्ति को, नहीं कहा उन्होंने। जैसे जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कहा ओ गॉड इन्हें माफ कर दो, इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे, तो किसी थर्ड पर्सन से तो बात कर रहे थे ना। तो जैसे हम देखते हैं कि फिर और मनुष्य का दुख बढ़ता है, तो 2000 आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए और उन्होंने आकर के भगवान के बारे में बताया, गॉड इज लाइट, परमात्मा जो है वो लाइट स्वरूप है, परमात्मा एक है, सत्य है। और फिर उन्होंने कहा प्रेम, प्रेम को भी भगवान उन्होंने कहा कि नहीं सबके ऊपर प्रेम करना चाहिए, उन्होंने दया का संदेश भी दिया। तो वो आकर के कुछ लोग, अभी 60 में से उधर कुछ लोग चले गए तो 40 बच गए, है ना। तो 40 लोग यहाँ पर अभी है, तो 40 लोग और भगवान को याद करते, उतने में गुरु नानक जी आते, एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त उन्होंने वो संदेश दिया, तो कई लोगों को वो अच्छा लगा, तो 20 लोग समझो ये बन गए सिख बन गए। तो वो धर्म 700 साल पहले आ गया और उन्होंने आकर, फिर शंकराचार्य आए और फिर शंकराचार्य ने आकर के कहा कि ये संसार तो नश्वर है, इस संसार में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आप ये सब छोड़ छाड़ कर, ये मोह माया है, तो भगवान को याद करो, भगवान ही शक्ति देने वाला है। तो संन्यास धर्म की उन्होंने स्थापना की, 20 लोग वहां चले गए। और अभी जो बाकी 20 लोग बचे हुए हैं वो क्या कहते हैं, हम कौन से धर्म के हैं, हम है हिंदू, है ना, हम हिंदू धर्म के हैं, भारत में हिंदू धर्म चलता है ना, तो हम हिंदू धर्म। अभी देखिए मैंने आपको तो सारे धर्म के धर्म स्थापक के बारे में बताया, जैसे महात्मा बौद्ध ने धर्मपद लिखा हुआ है, धर्मपद उनका शास्त्र है, धर्म शास्त्र बौद्ध धर्म का। जो क्रिश्चियन लोग हैं तो उन क्रिश्चियन लोगों का धर्म शास्त्र जो है वो बाइबल है, तो वो लोग उनकी ये करते हैं, पाठ करते हैं और उसको मानते हैं। और इस्लामी जो है वो कुरान को मानते हैं और कुरान की बातों को फॉलो करते हैं। तो ये उनके धर्म शास्त्र हो गए, धर्म स्थापक हो गए, उनके आने का समय हो गया। अभी आप हमें बताइए कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया और हमारा धर्म शास्त्र कौन सा। तो हिंदू सबसे पहली, अभी हम जूम पे है इसलिए, नहीं तो सामने सामने होते तो अलग आंसर जैसे हम देखते हैं। तो हिंदू जो है, जैसे हम देखेंगे कि क्रिश्चियन धर्म, जैसे अमेरिका में ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो वहां पर जो धर्म है वो है क्रिश्चियन, परंतु वहां के लोगों की संस्कृति है अमेरिकन, जैसे क्रिश्चियन संस्कृति है और धर्म जो है वो क्रिश्चियन है। बौद्ध लोग जापान में जापानी संस्कृति है और वहां का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। और जो अरब में रहने वाले लोगों की अरबी संस्कृति है और उनका जो धर्म है वो है इस्लामिक। वैसे ही हम देखते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का जो धर्म है वो क्या है, संस्कृति। आज हम देखते हैं कि संस्कृति के नाम से ही हमने अपने आप को बुलाना शुरू किया, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की हिंदू ये संस्कृति है, लेकिन धर्म उनका क्या है, तो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और हमारा जो धर्म स्थापक है वो है स्वयं निराकार परमात्मा। और ये कब स्थापन हुआ, तो आज से 5000 साल पहले परमात्मा ने आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की हुई थी। इस प्रकार से ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष हमें धर्म का ज्ञान देता है। और जब सारे मनुष्य आत्माएं अधर्म में चले जाते हैं, धर्म भ्रष्ट हो जाते, कर्म भ्रष्ट हो जाते, तो ऐसे समय पर परमात्मा को अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। तो इस सृष्टि का विनाश जो है ऊपर में दिखाया है, तीन प्रकार से होता है, नेचुरल कैलामिटी, सिविल वॉर और बॉम्ब्स और मिसाइल्स। तो ऐसे ही इस सृष्टि का विनाश होता है।
वटवृक्ष के लिए कहा जाता है, जब वटवृक्ष गिरता है तो अपना बीज छोड़ करके जाता है, तो इसी बीज से फिर से दो पत्ते आएंगे, फिर से वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जब सारी सृष्टि का, जैसे सारी सृष्टि में प्रलय कभी नहीं होता है, जब सृष्टि में अधर्म आत्माएं जो है, अधर्म ज्यादा विकर्म करने वाले जब पूरे हो जाते हैं, ऐसे समय पर फिर से पवित्र आत्माएं आकर के इस दुनिया को फिर से पावन दुनिया बनाते हैं, एक धर्म बनाते, एक राज्य बनाते हैं। इस प्रकार से ये सृष्टि रूपी चक्र, सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। ये वृक्ष कोई ऐसा ओरिजिनल में है नहीं, ये काल्पनिक वृक्ष है, इसलिए भी इसका नाम कल्प वृक्ष है। और दूसरा, पूरे 5,000 साल को, जैसे 2,500 वर्ष, 2,500 वर्ष का जो समय है, तो जैसे हम देखते हैं कि इस पूरा जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो इस पूरे इसको जैसे एक कल्प भी कहा जाता है, और इसलिए ये कल्प वृक्ष के रूप में हम ये ज्ञान प्राप्त होता है। हम देखेंगे सीढ़ी का चित्र, जैसे आज हम देखते हैं भारत के उत्थान और पतन की ये सीढ़ी है, तो जैसे हम देखते हैं कि ये सीढ़ी के चित्र के अंदर हमें जन्म और मृत्यु के बारे में जैसे ज्ञान जो है वो दिया जाता है, जैसे ये सारा जो चलता है तो भारत के ऊपर विशेष रूप से ये चलता है, परमात्मा का जो अवतरण होता है वो भी भारत की भूमि पर होता है, और जो भी देवी देवताओं का गायन है वो भी भारत की भूमि पर ही कहा जा किया जाता है कि परमात्मा जो है वो भारत भूमि में आते हैं, और इसीलिए भारत को सर्वश्रेष्ठ स्थान, तीर्थ क्षेत्र भी कहा जाता है। कई लोग जो है विदेशों में आज भी है जो सिर्फ भारत भूमि को देखने के लिए भी तड़पते हैं, भारत भूमि की इस मिट्टी को छूने के लिए भी तड़पते हैं, और हम वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया हुआ है। और इसी भारत भूमि में यही गायन है कि यहाँ पर कुछ साल पहले, कुछ समय पहले देवी देवताएं विचरण करते थे, देवी देवताएं इस भूमि पर घूमते थे, और इसलिए आज भी भारत भूमि पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, गांव गांव में कितने सारे मंदिर बनाते, क्योंकि यही वो भारत भूमि पावन भूमि है जहाँ परमात्मा की भी पदरा बनी हुई है और देवी देवताओं का भी विचरण हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहला युग, पहले भी आपको बताया कि सतयुग है, इस सतयुग में जब हम आत्माएं पहले पहले सृष्टि पर आती है, परम धाम से जब हम आत्माएं नीचे उतरती है इस पृथ्वी पर आती है, तो हम बहुत शुद्ध होती है, बहुत पावन होती है, बहुत पवित्र होती है, और इसीलिए जैसे आत्मा बहुत प्योर होगी, जैसे आपके पास 24 कैरेट का सोना है तो जेवर भी 24 कैरेट का ही बनेगा, अगर आपके पास 20 कैरेट का सोना है तो जेवर 20 कैरेट का बनेगा। ऐसे ही परमात्मा हमें बताते हैं, जब हम आत्माएं बहुत शुद्ध होती है, बहुत पावन होती है, माना सतो प्रधान, ये आत्मा की अवस्था का वर्णन है, जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्था शरीर के अवस्थाओं का नाम है, ऐसे आत्मा की अवस्थाओं का भी नाम है सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, तमो, तमो प्रधान, ऐसे आत्मा इन अवस्थाओं में से क्रॉस होती है। तो आत्मा जब सतयुग में अवतरित होती है तो वो सोने की तरह होती है, बिल्कुल गोल्डन, और वो बहुत प्योर होती है, और उस अवस्था का नाम है सतो प्रधान अवस्था। तो जितनी आत्मा प्योर होती है तो उतना शरीर की आयु बहुत अच्छी होती है, आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, तो शरीर भी अच्छा मिलता है, इसलिए सतयुग में नेचुरल ब्यूटी होती है, आज के जैसे उनको वहां पर ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सतयुग में देवी देवताओं के चित्र भी अगर आप देखेंगे बड़े सुंदर होते हैं, देवी देवताएं, और कभी भी देवी देवताओं को आपने देखा होगा बुजुर्ग नहीं दिखाते, भले उनकी आयु कितनी भी हो जाए परंतु उनका शरीर से वृद्धावस्था के कोई लक्षण उनको नहीं, उनके अंदर नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि आत्मा बहुत प्योर है, इसलिए शरीर भी उनको सतो प्रधान ही मिलता है, और प्रकृति भी यहाँ वहां की जो होती है बहुत सुंदर होती है, सतो प्रधान होती है, सुख देने वाली होती है। आज हम देखते हैं कलयुग में आते आते कंपेयर करेंगे थोड़ा कलयुग के साथ, कलयुग में आते आते प्रकृति भी क्या हो गई, तमो प्रधान हो गई, इसलिए आज हम देखते हैं कि कभी भी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज्यादा कभी कभी बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, ये सब क्या लक्षण है, ये प्रकृति के तमो प्रधान होने के लक्षण है,
अर्थात जब इस संसार में बहुत पाप बढ़ जाता है तो ये प्रकृति भी उसको सहन नहीं कर सकती, तो इस प्रकार से उत्पात वो करती रहती है। और आज अगर हम देखेंगे आत्मा बहुत तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी कैसे मिल रहे हैं, बहुत तमो प्रधान, कितने सारे हॉस्पिटल आज संसार में, लेकिन सारे भरे पड़े हैं, एक भी सीट नहीं मिलती, कईयों को तो बेड भी नहीं मिलता है, इसलिए कितनी तकलीफ हो रही है। दूसरी बात हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं, चश्मा लगा पड़ा है, वीकनेस फील करते रहते हैं, बाल भी सफेद हो चुके हैं, है ना, माना हम देखते हैं दांत भी ठीक नहीं है। पहले जमाने में लोग कहते थे कि भगवान जब बुलाना होता था तो तीन तारे भेज देते थे, पहली तार होती थी सफेद बाल, दूसरी तार होती थी आंखों पे चश्मा, और तीसरी तार होती थी दांत पूरे गिर जाना। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे पन में ये सारी चीजें हो रही है। तो सतयुग में आत्मा इतनी शुद्ध होती, इतनी सत्व प्रधान होती है, तो वहां पर जो शरीर होते वो भी बहुत अच्छे होते हैं और प्रकृति बहुत सुखदायी होती है। वहां पर प्रकृति में कोई भी इंबैलेंस नहीं होता है, बहुत संतुलित शरीर रहते हैं और संतुलित प्रकृति भी वहां पर रहती है। सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य चलता है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर राधा कृष्ण भी दिखाए गए हैं। राधा कृष्ण का कभी भी बड़ापन नहीं दिखाते हैं और लक्ष्मी और नारायण का कभी भी छोटापन नहीं दिखाया जाता है। तो एक भजन आपने सुना होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे मैंने पृथ्वी की अवस्थाएं बताई, आत्मा की अवस्थाएं बताई, शरीर की अवस्थाएं बताई, इन अलग अलग अवस्थाओं के नाम है, ये सुबह दोपहर शाम रात या ये दिन के अवस्थाओं के नाम है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर की अवस्थाओं के नाम है, सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, ये आत्मा की अवस्था के नाम है। ऐसे ही श्री कृष्ण की जीवन की अवस्थाओं के ही नाम का वर्णन किया हुआ है इस एक ही भजन में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात श्री कृष्ण ही बड़ेपन में नारायण बनते हैं। पहले जमाने में ऐसे होता था कि शादी के बाद नाम बदली कर देते थे, तो श्री कृष्ण और राधा जो है उन्हीं का बड़ापन लक्ष्मी और नारायण है, तो यही नारायण का स्वरूप है। जब वो छोटे होते हैं तो श्री कृष्ण होते हैं, जब वो गाय चराते हैं तो वो गोविंद होते हैं, जब वो बांसुरी बजाते हैं तो वो मुरारी होते हैं, जब वो राजगद्दी पर बैठ जाते हैं तो वो नाथ नारायण बन जाते हैं, और उन्हीं की वृद्धावस्था का वर्णन वासुदेव। अर्थात श्री कृष्ण और राधा यही जो है बड़े पद में लक्ष्मी और नारायण बनकर सतयुगी दुनिया पर राज्य करते। वहां पर सूर्य नारायण कहा जाता, अर्थात नारायण जो है वो सूर्यवंशी घराने में उनकी प्रवेशता है, सूर्यवंशी घराना है उसका, वहां देवी देवताएं हैं, और जैसे विराट रूप में दिखाते हैं ना कि मुख समान देवता, और इसलिए नारायण के मुख पर कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि मुख समान देवताएं हैं और भुजा समान क्षत्रिय होते हैं, और इसलिए राम और सीता के हाथ में हमेशा तीर और कमान जैसे राम के हाथ में दिखाई जाती है, क्योंकि वो क्षत्रिय घराना है। और जैसे हम देखते हैं कि सूर्य का तेज इतना होता है कि हर चीज हमें स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देती है। अगर आप दुकान में जाते हैं, दुकान में अंधेरा होता है, तो आप बाहर आकर के उजाले में अगर उस कपड़े को देखते तो आपको वो रंग जो है वो बदली हुआ भी दिखाई देता है। अर्थात जो सूर्य का प्रकाश होता है वो हमें सत्यता दिखाता है, इसलिए देखो नाम भी है वहां पर सतयुग, और त्रेता युग में थोड़ी थोड़ी त्रुटियां आना भी शुरू हो जाता है। और जैसे वो जैसे हम देखते हैं कि त्रेता युग में जो घराना चलता है वो चंद्रवंशी घराना चलता है, और इसीलिए राम के नाम के साथ रामचंद्र ये शब्द जोड़ा जाता है। सतयुग में आत्मा इतनी सत्व प्रधान होती है तो उनकी आयु बहुत बड़ी होती है, शरीर जल्दी से वृद्ध नहीं होते, तो 150 साल करीब 150 साल वहां पर जैसे आत्मा शरीर को चलाती है, लेकिन फिर भी उनके शरीर के ऊपर कोई वृद्धावस्था की निशानियां नहीं होती है। तो वहां पर सतयुग में 1250 वर्ष में हमें 8 जन्म लेने पड़ते हैं, आत्मा जो है वो 8 जन्म वहां लेती है, मतलब 8 बार शरीर
बदली करते हैं और इसलिए हम श्री कृष्ण की अष्टमी मनाते हैं, क्योंकि 8 गद्दियां श्री कृष्ण की सत्ययुग में चलती हैं और 9वीं गद्दी जो होती है वो राम की होती है, इसलिए राम की हम नौमी मनाते हैं। और वहां पर चंद्रवंशी घराना होता है, इसलिए राम के नाम के साथ चंद्र जोड़ा जाता है। त्रेता युग में आते आते आत्मा की शक्तियां थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए त्रेता युग में जन्मों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, वहां 12 जन्म हमें लेने पड़ते हैं 1250 वर्ष में, और इसलिए आयु थोड़ी कम हो जाती है 125 वर्ष, करीब करीब 125 वर्ष में, मान ये सरासरी ऐसे कहा जाता है, एक्यूरेट उसी दिन ऐसे नहीं बता रहे हैं, करीब करीब 125 वर्ष की उनकी आयु होती है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, इसलिए कहते हैं गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवता। आज संसार में अगर हम देखें कि भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए होंगे, तो सतयुग और त्रेता युग दोनों युगों की मिलाकर के जो कुल संख्या होती है, जनसंख्या होती है, वो 33 करोड़ है। त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ आत्माएं संसार में होती है। सतयुग की आदि में 9 लाख आत्माएं हैं, सतयुग के अंत में 2 करोड़ आत्माएं होती है, और त्रेता युग के अंत में, मतलब सतयुग के अंत और त्रेता युग की शुरुआत में 2 करोड़ आत्माएं होती है इस संसार में, और त्रेता युग के अंत में आते आते 33 करोड़ वो संख्या बन जाती है। और इसीलिए वो जो भी थे, वहां पर रहने वाली प्रजा हो, वहां पर रहने वाली दास दासी हो, वहां पर रहने वाला राजा, हरेक आत्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की थी, इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का भारत भूमि पर गायन है। हम देखते हैं कि फिर आता है, नीचे उतरते हैं तो द्वापर युग शुरू हो जाता है, तो आत्मा में शक्तियां कम होती है, तो उन्हें शक्ति चाहिए, इसलिए सबसे पहले हमने भक्ति करना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, जिसे मोहम्मद गजनवी 17 बार भारत में आकर के वो ऊंट भर भर के लेके गए। माना हम देख सकते हैं सतयुग और त्रेता युग में भारत में सोने के महल हुआ करते थे, कहते थे भारत में सोने का धूर निकलता था, सोने के हीरे जवाहरातों के महल वहां पर थे। तो हम देख सकते हैं कि एक ही मंदिर को लूटने के लिए मोहम्मद गजनवी को 17 बार भारत में आना पड़ा। हम सोच सकते हैं कि सतयुग त्रेता में कितना अतिचार धन वहां पर होता है देवी देवताओं के पास, लेकिन जैसे हम बहुत सारे लोग आकर के राज्य करके गए, तो लूट करके भी बहुत सारे लेके गए। फिर जैसे हम देखते कि हमने भक्ति करना शुरू किया, तो हमने सबसे पहले श्री इनकी भक्ति करना, शिव की भक्ति करना शुरू किया, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा निराकार शिव वही हमें आत्मा को चार्ज कर सकते, शक्ति दे सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे पुराने पुराने जो मंदिर है वही शिव के होते हैं, बहुत पुराने पुराने मंदिर शिव के। और शिव की भक्ति हमने पहले पहले करना शुरू किया, फिर हमने राधा कृष्ण की भक्ति करना शुरू किया, फिर राम सीता की। तो द्वापर युग में यहाँ पर 2 भाग हो जाते, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग हो जाती है, धर्म को संभालने के लिए साधु संत धर्मात्माओं को नीचे आना पड़ता है, और राज्य को संभालने के लिए अलग अलग राजाएं होकर के गए हैं। फिर भी हमें शक्ति मिल रही थी, हमारी भक्ति सतो प्रधान थी तो हमें शक्ति भी मिल रही थी, चाहे हम किसी की भक्ति करें, लेकिन हमारी भक्ति में बहुत ताकत हुआ करती थी। द्वापर युग में हमें भक्ति से शक्ति मिलती थी। वहां पर जब हम आते हैं द्वापर युग में, तो वहां पर हमारे जन्म की संख्या बढ़ जाती है, वहां हमें 21 जन्म लेने पड़ते हैं, और वहां पर 21 जन्म हम लेते हैं तो वहां पर वैश्यवंशी मनुष्य रहते हैं, जैसे सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता युग में चंद्रवंशी, द्वापर युग में वैश्यवंशी जो है। तो वहां पर आते आते हमारे जन्म की संख्या भी बढ़ जाती है, आयु भी हमारी कम हो जाती, करीब करीब फिर भी 100 वर्ष रहते हैं, और इतना वहां पर भी इतना दुख नहीं होता है, इतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे हम कलयुग में उतरते हैं तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट, कर्म भी भ्रष्ट, हमारी भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। माना अगर किसी को बताएंगे ना कि इस भगवान को याद करो तो तुम्हें ये प्राप्ति होगी, तो लोग वहां पर भागना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं वहां पर जाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छा मिलता है, ये जागृत देवस्थान है, तो जो भी अगर हमें बताए इसकी भक्ति करो तो उसकी करेंगे। इसलिए तो आज हम देखते हैं कि पहले जमाने में अव्यभिचारी भक्ति हुआ करती थी, अगर शिव को मानने वाले लोग होते तो वो शिव को ही मानते थे, अगर नारायण को मानने वाले लोग होते थे तो वो नारायण को ही मानते थे, लेकिन आज ऐसे नहीं रहा है। सोमवार को हम शिव को मानेंगे, मंगलवार को हम देवी को मानेंगे,
गुरुवार को हम अलग किसी को मानेंगे, माना इस प्रकार कलयुग में आते आते हमारी भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। जैसे इसके ऊपर एक कहानी बताते हैं कि महात्मा बुद्ध के भक्त थे और उनको बहुत प्यास लगी थी, तो महात्मा बुद्ध ने कहा जाओ वहां जाकर के खड्डा खोदो तुम्हें पानी मिल जाएगा। और थोड़ी देर के बाद जब महात्मा बुद्ध जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो आनंद था उनका शिष्य था वो 5-7 गड्ढे बना करके बैठा हुआ है लेकिन पानी कहीं पर भी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्यों इतने सारे खड्डे तुमने बना करके रखे हुए? तो ये कहा कि मैंने थोड़ा खोदा तो वहां नहीं मिला तो मुझे लगा दूसरी जगह मिलेगा इसलिए मैंने वहां खोदना शुरू किया, फिर वहां नहीं मिला तो मैंने दूसरी जगह। तो ये कहा इतनी मेहनत 5-7 गड्ढों को खोदने में तुमने जो लगाई है, अगर वही एक ही गड्ढे में खोदने में लगाते थे तो शायद अभी तक तुम्हें पानी मिल जाता था। तो ऐसे हमने भी क्या किया, भक्ति मार्ग में आते ही हमने पेड़ की भी पूजा करना शुरू किया, हमने अग्नि की पूजा करना, इसलिए कहते हैं ना वट सावित्री में जाते हैं तो वट की पूजा करते हैं, तो पति जो सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस वट के पेड़ के नीचे, इसलिए आज भी माताएं महिलाएं जो है वो वट के पूजा करने के लिए जाती है। अगर ऐसे ही पति के प्राण लौट आते थे तो आज संसार में हमें कोई विधवा आत्मा नहीं दिखाई देती थी, माना वैसे तो वो तो कर्म की कोई गति अलग है, लेकिन फिर भी समझने की बात है। हम अग्नि की पूजा करते हैं, अगर अग्नि वैसे तो देवी देवता, जैसे हम देखते हैं कि हम अग्नि को देवता मानते हैं, वायु को देवता मानते हैं, धरणी को देवता मानते हैं, तो शास्त्र जो लिखे संस्कृत भाषा में तो संस्कृत भाषा में देने वाले को देवता कहा गया है, लेकिन फिर भी आज हम अग्नि की इसकी उसकी पूजा करते रहते, मतलब पंच तत्व की भी हमने पूजा करना शुरू किया है। जिस पंच तत्व ये देह बनी हुई है तो हम इनकी भी पूजा करना शुरू कर दिया है, तो भक्ति व्यभिचारी बन गई है और इस व्यभिचारी भक्ति के कारण आज हमें प्राप्ति भी नहीं हो रही है। भक्ति बहुत करते हैं लेकिन प्राप्ति कम होती जा रही है और एक मनुष्य धर्मभ्रष्ट होता गया, गलत गलत कार्य करते गए। आज हम देखते देवी देवताओं को बिठाते पूजा करते और फिर उनको पानी में डुबो देते हैं, फिर अगले दूसरे देवी देवताओं को लाते हैं बिठाते पूजा करते फिर डुबो देते। तो कलयुग में आते आते भक्ति भी बहुत तमो प्रधान हो जाती है। आप देखेंगे इसमें हम जन्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कलयुग में आते आते 1250 वर्ष में हमें 42 जन्म लेने पड़ते, यहाँ शूद्रवंशी मनुष्य बन जाते, पैर समान शूद्र ऐसे कहते हैं ना विराट रूप में, तो 42 जन्म हमें यहाँ पर लेने पड़ते हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर आयु कितनी होगी मनुष्य की, आयु कितनी हो जाती है कलयुग में आते आते हम देखते हैं कि मनुष्य की यह काल का समय चल शुरू हो जाता है, कलयुग में काल का समय शुरू हो जाता है। इसीलिए आप बता ही नहीं सकते कि एक छोटा सा बच्चा एक दिन जीने वाला है, 10 दिन जीने वाला है, 1 महीना जीने वाला है, 100 साल जीने वाला है, नहीं ये काल का समय। सुबह मनुष्य घर से बाहर निकलता है पता नहीं है शाम को घर ही लौटेगा, ये काल का समय शुरू होता है। और इसीलिए जैसे कहा जाता है कि आज अगर मनुष्य विकर्म करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, ऐसे ही भगवान की जेल है गर्भ जेल। तो जितना मनुष्य विकारी होता है पतित होता है पाप कर्म ज्यादा किए हुए होते हैं तो उनके लिए वही सजा बन जाती है, वो जन्म लेते हैं तुरंत मृत्यु हो जाती है, फिर गर्भ में प्रवेश करते वहां पर रहते हैं तो आत्मा को सबसे ज्यादा तकलीफ गर्भ जेल में होती है। कलयुग के लिए यही गर्भ जेल है अर्थात यही उसके लिए सजा, जहाँ आत्मा को जैसे गर्भ में जब आत्मा रहती है तो उल्टी लटकी हुई होती है इसलिए वो त्राही 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 करती है ना, भगवान के सामने बहुत रिक्वेस्ट करती है कि हमें इस जेल से बाहर छुड़ाओ आत्मा को, क्योंकि आत्मा के अलग संस्कार है। गर्भ जेल में जब प्रवेश करती तो ये सबसे बड़े पाप कर्म का उनके लिए सजा हो जाती है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होती, सतयुग के लिए परमात्मा कहते हैं गर्भ वहां महल होता है और कलयुग में आते आते गर्भ जेल बन जाती है तो उसके पाप कर्म की सजा। इसलिए हम देखते छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते मर जाते, हमें ऐसे लगता है भगवान ऐसे क्यों कर रहा है, भगवान को कुछ समझता नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा विचार करें कि वो आत्मा ने अभी भी जन्म लिया है, हम बोलते उसने क्या गलत किया क्या गलत किया, लेकिन आत्मा तो वही है ना, पिछले जन्म में किसी का खून करके अगर वो आई होगी, पिछले जन्म में किसी का नुकसान करके वो आई होगी तो उसको उसकी सजा भोगनी नहीं पड़ेगी।
भुगनी तो पड़ती, इसलिए छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते ही आईसीयू में इतनी तकलीफ हो रही है, इंद्रियों को इतना कष्ट हो रहा है, कोई इंद्रिय अच्छी ही नहीं होती है, क्यों ऐसे होता है? गलत कर्म, मनुष्य के गलत कर्म ही उसके लिए गर्भ जेल बन जाते हैं और उसको वो सजाएं भोगनी पड़ती। इसलिए कलयुग में आते आते हम 42 जन्म लेते 1250 वर्ष में, और यहाँ पर हमारी आयु का कोई ये नहीं है, बता नहीं सकते कि कितनी आयु, कभी भी आत्मा शरीर छोड़ सकती है, कभी भी जा सकती है, ये काल का समय चलता है। और इसी कलयुग के अंत में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते तो हमें पावन बनने का तरीका बताते राजयोग, यही राजयोग है जो हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हैं और हम आत्माएं पुनः सतयुग की दुनिया में जा सकते हैं। जैसे यहाँ सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं तो दूसरी तरफ परमात्मा संगम युग में हमें ज्ञान और योग की ऐसी लिफ्ट देते हैं जिस लिफ्ट से हम कोई भी नंबर का दरवाजा जो है, कोई भी माले का दरवाजा जो है वो खोल सकते हैं और किसी भी मंजिल पर आप जा सकते हैं। अगर हम बहुत अच्छे से ज्ञान योग तपस्या करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो उतनी उतनी हमारी अवस्था उच्च होती जाएगी और उस युग में हम जन्म मिल सकता है। तो ये हमारा कर्म है, ये हमारा भाग्य कैसे बनाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो परमात्मा कर्म की गुह्य गति हमें सिखाते हैं, कोई ये न समझे कि भगवान किसी के साथ गलत करता है, परमात्मा किसी के साथ सही, परमात्मा कभी भी पार्शलिटी नहीं करता है, वो हरेक के साथ अच्छा ही रहता है, हरेक को मार्गदर्शन करता है, अगर उसके बताए हुए मार्ग पर जो चलेंगे उस आत्मा का कल्याण निश्चित है। अगर उसने बताने के बाद भी अगर हम उस मार्ग पर नहीं चलते तो जो नुकसान होता है उसमें वो जिम्मेवार कैसे होगा? अगर कोई महिला को दो बच्चे हैं और दोनों को वो बताती रहती है कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसमें से एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, दूसरा बच्चे का सारा ध्यान खेल कूद मजा उसमें लगा पड़ा है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो आगे चलकर IAS ऑफिसर बन जाता है, इतना ऊंचा पद मिलता है, इतना भाग्य मिलता है, और फिर कहते हैं एक ही माता पिता के बच्चे हैं और एक जो है वो बरीड होता है दूसरों के सामने, बना नौकरी छोटी मोटी करके लोगों के काम कर रहा है, बचपन में उसने बहुत मजा किया और अभी उसको क्या मिल रही है, फिर सजा मिल रही है। और जो बचपन में बहुत अच्छा चल रहा है उस समय उसको मजा नहीं आया, लेकिन अभी उसके जीवन में सुख है, चैन है, सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे ही हम अगर भाग्य को देख करके चले, कर्म को देख करके चले, तो निश्चित हमारा भाग्य श्रेष्ठ ही बन जाएगा। हम अपने आप को कर्म सिद्धांत के अनुसार चलाएं, परमात्मा कभी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते, वो सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, चलना न चलना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और अगर हम अच्छा चलते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा बन जाता है। दूसरी बात, मनुष्य का शरीर ही लेता है, ये नहीं होता है कि जा करके कीड़ा मूंगी, अगर मैंने पाप कर्म किए छिप छिप करके लोगों की बातें सुनी तो मैं जा करके छिपकली बन जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। माना परमात्मा हम देखते हैं कि अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे, आम का बीज लगाएंगे, तो आपको क्या फल मिलने वाला है? आम का फल ही मिलेगा। अगर आप पेरू का पेड़ लगाएंगे तो आपको पेरू मिलने वाले हैं। ऐसे ही मनुष्य की आत्मा एक बीज के समान होती है और वो जा करके मनुष्य का ही शरीर धारण करती है, तो क्या अन्य योनि में जाती है? अगर आप देखेंगे कि मनुष्य आत्मा जा करके कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन जाती है, तो आजकल के कलयुगी कुत्ते तो बड़े खुश नसीब है, क्योंकि कई कुत्तों को तो संभालने के लिए मालिक होता है, सुबह शाम घुमाने के लिए लेके जाता है, उसको नहलाता है धुलाता है, बड़े बड़े होटलों में भी खाना खिलाता है, उनको सोने के लिए भी घर बनाते हैं, गद्दी बिछाते हैं। तो कलयुग में आते आते ये कुत्ते तो बहुत अच्छे हैं, और कई मनुष्य को आपने देखा होगा कि रास्ते पर चल रहे हैं, किसी से भीख मांग के खा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी उसको हट 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 करते रहते हैं। तो ये क्यों है? अगर मैंने मेरे पाप कर्म किए और फिर उसका पाप कर्म की सजा मैंने कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन करके मैंने वो सजा ले ली, तो उस सजा के बाद जब मुझे एक ही जन्म मनुष्य का मिलने वाला है, तो ये जन्म क्यों ना मेरा सुखदायी होना चाहिए, सुख मिलना चाहिए ना इस जन्म में, ना क्यों ना हो।
तो आज फिर भी हम देखते हैं कि मनुष्य इतने दुखी है, किसी की आर्थिक तंगी चल रही है, किसी की भौतिक चल रही है, किसी की तन की चल रही है तकलीफ चल रही है, किसी की मन की तकलीफ चल रही है। तो ये हमें इतनी तकलीफें क्यों है? मनुष्य का जन्म अगर हमें 84 लाख योनि भोगने के बाद एक ही बार मिलता है तो ये जन्म हमारा कितना कितना अच्छा होना चाहिए, फिर भी हमारा ये जन्म इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम वैसे कर्म अच्छे नहीं करते हैं और इसलिए हमारा वो जन्म वैसा नहीं मिलता है। अगर हम देखें कि आज हम देखते हैं कि माने जैसे हम देखते हैं कि कर्म की गुह्य गति को हम समझे, मनुष्य जब एक शरीर छोड़ता है मनुष्य का, तो वो जाकर के मनुष्य का ही शरीर धारण करता, ना कि जाकर के कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कुछ भी नहीं बनता है। परंतु आज हम देखेंगे तो कई लोगों को उस प्रकार से कर्म करने, गलत कर्म किए हैं, तो उस प्रकार से उसी प्राणी पशु पक्षी के रूप में अगर हम देखें तो वैसी ही सजा हमें मिल जाती है। जैसे गधे जैसे भरी ढोनी पड़ेगी, है ना, या कहो कि कुत्ते के जैसा कईयों को हट हट करके लोग पुकारते हैं बोलते हैं, तो वो भी तो एक सजा ही है। तो मनुष्य परमात्मा हमें कर्म की गुह्य गति यही समझाते हैं कि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलने वाला है, अगर हम गलत कर्म करेंगे तो हमें गलत कर्म की गलत सजा मिलने वाली है, इसमें परमात्मा जिम्मेवार नहीं है। हाँ, उसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे से गलती से भी गलती हो जाती है तो हम तुरंत तुरंत भगवान से माफी मांग ले, भगवान माफ कर देता है क्योंकि वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है, जरूर वो हमारे गलत कर्म। लेकिन ये नहीं कि आज गलती की माफी मांग ली फिर कल जाकर वही गलती की फिर माफी मांगे, तो ऐसे गलत कर्म की माफी नहीं मिलती। अगर गलती से मैंने कोई ऐसा कर्म किया है और उसकी एक बार माफी मांग ली तो भगवान माफ हो सकता है माफ कर दे, परंतु बार बार की हुई बात को गलती नहीं कहा जाता है, वो तो फिर गुनाह बन जाता है ना। तो इसीलिए हम अपने कर्म के ऊपर बहुत ध्यान दे करके चले तब जा करके हमें परमात्मा की मदद भी मिलती है। जिस व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे होते हैं ना, जिसकी विचार बहुत अच्छे होते हैं, परमात्मा उसको मदद करने के लिए बंधा हुआ है और वो जरूर मदद करता है। तो हम अपने आप को अच्छे कर्म बनाकर रखने में खुद को सतर्क रखें, हमेशा सावधान रखें कि हम अच्छे ही कर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सतयुग में 8 जन्म दिए हैं, त्रेता युग में हमने 12 जन्म दिए हैं, द्वापर युग में हमने 21 जन्म दिए हैं और कलयुग में हमने 42 जन्म दिए हैं। तो ये तो मैं बता रही थी 84 जन्म की सीढ़ी, लेकिन ये जन्म हो जाते 83। तो वो 84वां जन्म मेरा कौन सा है? तो जैसे कहते हैं ना कि 84 लक्ष योनि, परमात्मा हमें कहते हैं कि आपके इस सृष्टि पर आने के बाद आपका जो 84वां जन्म है, इस 84वें जन्म के ऊपर आप लक्ष्य दो, ध्यान दो। ये संख्यावाचक शब्द नहीं है, ये अर्थ शब्दवाचक ना अर्थ है। इसमें हमने 84 लक्ष्य कह दिया है, 84 लक्ष्य योनि कह दिया। परमात्मा कहते 84 लक्ष्य योनि हम नहीं धारण करते हैं, हम सिर्फ 84 जन्म धारण करते हैं और उस लास्ट के 84वें जन्म के ऊपर ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। तो वो जो 84वां जन्म है, इसी शरीर में जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे महात्मा बौद्ध, उनका नाम महात्मा बौद्ध नहीं था, उनका नाम नरेंद्र था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो महात्मा बौद्ध बन गए, है ना। स्वामी विवेकानंद, उनका नाम भी नरेंद्र था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो विवेकानंद बन गए। ऐसे ही इसी शरीर के अंदर जब हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता, तो इसी शरीर में हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। तो वो जन्म सबसे महत्वपूर्ण जन्म है, जब हमें ज्ञान प्राप्ति होती है तो उस जन्म में इस शरीर में रहते हुए जो हमारा दूसरा जन्म हुआ है उस जन्म पे हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और यही 84वां जन्म हमारे आगे के आने वाले 83 जन्मों को सफल बना सकता है, ऊंचा बना सकता है। इसलिए इस जन्म के ऊपर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। इस प्रकार से ये 84 जन्म की सीढ़ी।
ठीक है, ओम शांति। कुछ प्रश्न है? लिख कर लाइए। हाँ ठीक, एक गीत के साथ योग करें। Thank you.